एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर हमें टोटल 16 करेक्टर का रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन ये करेक्टर होने कौन कौन वाले हैं? तो बेसिकली मैंने एक लिस्ट बनाई है और जो ये लिस्ट है ये मेरे अकॉर्डिंग है जो करेक्टर बेसिकली हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ओरिजिनल 6 ओल्ड एवेंजर्स की, जिसमें कैप्टन अमेरिका जो स्टीव रॉजर्स वाला है वो शायद देखने को मिल सकता है। नंबर 2 पे आयरन मैन, मतलब आपने टोनी स्टार्क का कोई और वर्जन। नंबर 3 पे थॉर। नंबर 4 पे हल्क। नंबर 5 पे हॉकाय, जो एज ए एवेंजर को मेंटोर करते हुए दिखाया जा सकता है। फिर अपने गार्डियंस की टीम में से कौन कौन हमें बेसिकली सीक्रेट वॉर के अंदर देखने को मिलेगा? तो नंबर 6 पे रॉकेट, नंबर 7 पे ग्रूट, नंबर 8 पे स्टार लॉर्ड, नंबर 9 पे ड्रैक्स, नंबर 10 पे नेबुला और नंबर 11 पे एडम वॉरलॉक। एडम वॉरलॉक बेसिकली नया मेंबर है गार्डियंस का, जो जिसके पास अपने कैप्टन मार्वल जितनी पावर रखती है। फिर नए नए सुपर हीरो में हमें कौन कौन से सुपर हीरो देखने को मिल सकते हैं? नंबर 11 पे स्पाइडरमैन, जो बेसिकली हमें सीक्रेट वॉर के अंदर कंफर्म देखने को मिलेगा। नंबर 12 पे शी हल्क, इसके चांसेस बहुत कम है। नंबर 13 पे माइटी थॉर, हमें पता है कि जेन फॉस्टर वाली जो थॉर वो मर चुकी है, लेकिन थॉर 5 के रूमर के अकॉर्डिंग जेन फॉस्टर एज ए रिटर्न कर सकती है थॉर 5 के अंदर। नंबर 14 पे न्यू कैप्टन अमेरिका, जो फाल्कन वाला जो कैप्टन अमेरिका है, जो नया कैप्टन अमेरिका है, वो हमें सीक्रेट वॉर के अंदर गारंटी देखने को मिलेगा। नंबर 5 पे आर्ट मैन। नंबर 16 पे वर्स। नंबर 17 पे फाल्कन, जैसे कि हमने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर देखा था कि सैम ने अपनी जो किट है वो किसी और आर्मी ऑफिसर को दे दी थी एज ए गिफ्ट, और वो आर्मी ऑफिसर आगे जाके नया फाल्कन बनेगा, जो बेसिकली कॉमिक के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है। नंबर 9 पे वॉर मशीन। नंबर 20 पे मिस मार्बल। नंबर 21 पे कैप्टन मार्बल। नंबर 22 पे मोनिका रैम्बिस। नंबर 23 पे वांडा। बेसिकली वांडा का कोई और वेरियंट या फिर वांडा एज ए रिटर्न देखने को मिल सकती है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर। हमें पता है कि वांडा मर चुकी है ऑफिशियली, लेकिन मार्वल वालों को पता नहीं कब नस चढ़ जाती है और वो किस करेक्टर को कब रिटर्न दिखा दे। नंबर 24 पे विजन। नंबर 25 पे सेंची, जो बेसिकली एक मेन लीडर या मेन प्लॉट प्ले कर सकता है सीक्रेट वॉर के अंदर। नंबर 26 पर मून नाइट। नंबर 27 पर ब्लैक पैंथर, जो सूरी वाला ब्लैक पैंथर है जो नई बनी है। नंबर 28 पे नमोर। नंबर 29 डेयर डेविल। नंबर 13 पर न्यू ब्लैक विडो, जो नताशा की बहन देखने को मिली थी, जो नई अब ब्लैक विडो बन चुकी है। नंबर 31 पर कैसी लैंग, जो अपने आंट मैन एंड वॉर्स के अंदर में देखने को मिली थी क्वांटमेनिया के अंदर। नंबर 32 पर रेड हल्क। नंबर 33 पे आयरन हार्ट। नंबर 34 पर पेपर पॉट्स, जो एज ए हमें रेस्क्यू आर्मर में देखने को मिली थी एवेंजर्स एंड गेम के अंदर, वो पॉसिबली हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर भी देखने को मिल सकती है एज ए एवेंजर। अब वो देखते हैं कि मल्टीवर्स सागा के अंदर कौन कौन से ऐसे करेक्टर है जो हमें सेवन सीक्रेट वॉर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो नंबर 35 पे आते हैं अपने डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनका हाथ सबसे ज्यादा मल्टीवर्स के अंदर रह चुका है और जिनने इंकर्जन की स्टार्टिंग करी है। नंबर 36 पे क्लिया, जिसने इंकर्जन को रोकने के लिए अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प ली है। आप उसको क्या पता, जो इसने स्टार्ट करा है उसको तो अंत तक पहुंचा के रहेगा। नंबर 37 पर वॉन्ग, एज ए सर्विस एवेंजर को इकट्ठा कर रहा है, जिसको हमने मार्वल मूवी और सीरीज के अंदर देखा, जो बेसिकली सभी एवेंजर को इकट्ठा कर रहा है एक नए वॉर के लिए। नंबर 38 पर अमेरिका चावेस। नंबर 39 पे लोकी, जो बेसिकली बहुत बड़ा प्लॉट प्ले कर सकता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर, क्योंकि ये पूरे मल्टीवर्स को संभाल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका छोटा मोटा हाथ तो रहने वाला है सीक्रेट वॉर के अंदर। नंबर 40 पे सिल्वी, जो देखने को मिल सकता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर। नंबर 41 पर मॉबियस, क्योंकि अगर लोकी आ रहा है तो मॉबियस तो जरूर ही आएगा। फिर ऐसे देखते हैं कि विलन्स के अंदर कौन कौन से विलन हमें देखने को मिल सकते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर। तो नंबर 42 पे डॉक्टर डूम, जो बेसिकली बहुत हाई चांसेस है कि यही मेन विलन होने वाला है। फिर नंबर 43 पे कैंग। फिर नंबर 44 पे रामा टूट, जिसको हमने क्वांटमेनिया के अंदर देखा था। नंबर 45 पे इम्पोर्टस। नंबर 46 पे स्कारलेट सेंचुरियन। और अब नंबर 47 पे अपना थैनोस, जिसका हमें बेसिकली कोई और वेरिएंट देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर के कौन कौन से मेंबर सीक्रेट वॉर के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो बेसिकली पूरी फैंटास्टिक फोर की जो टीम है वो होने वाली है, क्योंकि काफी सारे यूवर आ रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर कहीं ना कहीं सीक्रेट वॉर से कनेक्ट होते ही दिखने को मिल सकती है। प्रोबेबली हमें सभी फैंटास्टिक फोर के मेंबर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नंबर 48 पे रीड रिचर्ड्स, नंबर 49 पर ह्यूमन टॉर्च, नंबर 50 पे थिंक और नंबर 51 पर उनकी लेडी। अब देखते हैं कि एक्समैन में कौन कौन
से करेक्टर हमें सीक्रेट वॉर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दो करेक्टर तो कंफर्म है अपने, नंबर 52 पे डेडपूल एंड नंबर 53 पर वुल्वरीन, ये दोनों तो कंफर्म हमें सीक्रेट वॉर के अंदर देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कुछ ऐसे सुपर हीरो जो उनका हमें अब तक मार्वल के अंदर कुछ देखने को मिला तो नहीं है लेकिन के चांसेस है और बेसिकली आगे जाके सीक्रेट वॉर के प्रोजेक्ट से पहले इनके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे और ये बेसिकली सीक्रेट वॉर के अंदर भी अपेयर हो सकते हैं। और ये बेसिकली मेरी अजम्पशन है, इमेजिनेशन है कि ये देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर 54 पर गाया है, नंबर 55 पर वैलकरी, नंबर 56 पर कॉर जो बेसिकली अपने थॉर का दोस्त है, नंबर 57 पर ब्लैक नाइट जिसका एंड हमें इंटरनल मूवी के अंदर देखने को मिला था, फिर नंबर 58 पर वंडर मैन जो बेसिकली अपने हेनरी कैवल प्ले कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे रूमर ये भी आ रहे हैं कि हेनरी कैवल को एज ए वंडर मैन सिलेक्ट कर दिया गया है, कास्ट कर लिया गया है। नंबर 59 पर गोस्ट राइडर, इसके बहुत कम चांसेस है क्योंकि हमें इसका सीक्रेट वॉर के बाद ही देखने को मिल सकता है कोई भी प्रोजेक्ट। नंबर 60 पर हरकुलस।